धीरूभाई अंबानी ने आखिर इतना पैसा कमाया कैसे, वो इतने अमीर बने कैसे, क्या इसके पीछे की वजह जानते हैं? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी उनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, उनका रिस्क उठाना। चलिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। उस टाइम पे इंडिया में पॉलिएस्टर के कपड़ों की डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो धीरूभाई अंबानी ने इस डिमांड को देखते हुए अपना पॉलिएस्टर का व्यापार शुरू किया। लेकिन ये डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि धीरूभाई अंबानी को और माल की जरूरत थी, जिसके लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन इतना सारा पैसा बैंक देने को तैयार ही नहीं था। इस वजह से धीरूभाई अंबानी गए सीधे लोगों के पास और उन्हें कहा कि आप लोग मेरे बिजनेस में पैसा लगाइए, अगर नुकसान हुआ तो वो मेरा, लेकिन अगर फायदा हुआ तो वो सबका होगा। इस तरह से रिस्क उठाकर धीरूभाई अंबानी ने बहुत पैसा कमाया और यही उनकी सबसे बड़ी वजह थी। गाइस, आपका धीरूभाई अंबानी की रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते अगली वीडियो में। अगर कोई इंसान हद से ज्यादा मोटा है तो उसकी बॉडी में 32% या उससे भी ज्यादा फैट हो सकता है, लेकिन एक आम इंसान, चाहे वो जिम जाता हो या फिर वो एथलीट हो, उसकी बॉडी में तब भी 15-25% तक फैट होता ही है। लेकिन इस दुनिया में एक बंदा ऐसा है जिसकी बॉडी में मात्र 3-4% ही फैट है। ओह माय गॉड। एंड लेट मी टेल यू गाइस, 3-4% फैट होना ये कोई छोटी बात नहीं है। और जिसकी बॉडी में फैट बहुत ज्यादा कम होता है, उसके कट्स बड़े अच्छे दिखते हैं और इसी वजह से उन्हें वर्ल्ड्स मोस्ट शेडेड मैन कहा जाता है। उनका नाम है हेलमेट स्ट्रिबल, जो कि 47 साल के हैं और वो एक वर्ल्ड चैंपियन बॉडी बिल्डर और फिटनेस मॉडल हैं। गाइस, आपको इनके बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।